एज अ स्टूडेंट आपका माइंडसेट टुवर्ड्स म्यूजिक कि वक्त कितना देना होता है म्यूजिक को, एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्या क्वालिटी होती है, तभी जाके तो काम उस सीरियसनेस से करोगे, वरना शौकिया रूप से सीखते रहोगे, उसी नजर से सीखते रहोगे तो कभी काम नहीं करोगे। मैं ये जानता हूं, काम मैं आपको कितना ही अच्छा अच्छा दे दूं, आपको मैं सामने संगीत के ग्रंथ खोल के रख दूं, पर आप काम नहीं करते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे और उसका असर आप पर नहीं होगा। तो एनालिटिकल थिंकिंग एज अ लर्नर आपके अंदर होनी चाहिए। यह फ़र्क है स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में, और यहाँ जो हम सीख रहे हैं वो कॉलेज एजुकेशन है, ये मान लीजिए। खेल खेल में जाने कितनी धनुहियाँ तोड़ डाली मैंने, खेल खेल में। कि मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्वालिटी, स्टूडेंट की भी तो क्वालिटी होती है, तभी तो सीख पाएगा वो। और उसमें पहली खूबी ये होनी चाहिए कि जब भी वो मेरे सामने बैठे तो उसके हाथ में एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। जब तक कॉपी पेन नहीं है तो वो क्यों बैठा है मेरे सामने, आप बताएं। मैं ना कोई संत हूं, ना बाबा हूं, ना पॉलिटिशियन हूं, और ना कॉमेडियन। मेरे सामने आप मनोरंजन के लिए थोड़ी बैठे हो क्या? मेरे सामने बैठे हो तो क्लास के लिए बैठे हो, है ना? तो ऐसा थोड़ी कि मज़ा आ रहा है आपके प्रवचन सुनने में, या आपका भाषण जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, या आपके जोक्स बड़े फनी हैं, है ना? मेरे सामने बैठे हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठे हो, तो सीखने के लिए बैठे हो तो बिना कॉपी पेन के कभी मत बैठो, है ना? हमेशा आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, ताकि जो जो मैं बोलता जाऊँ वो नोट्स आपके बनते रहने चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपका ये फ़र्ज़ बनता है। और कॉपी भी ऐसी नहीं कि कोई सी भी रैंडम कॉपी आपने उठा ली और उसमें कोई से भी पन्ने पे बस जो मैंने बोलना शुरू किया वो लिख दिया। प्रॉपर म्यूजिक की कॉपी वो आपकी होनी चाहिए, है ना? और उसमें डे डेट पड़ा होना चाहिए कि आज की तारीख में ये डे था, इस दिनांक पर इस डे को निषाद जी ने ये बोला, ठीक है? नहीं, ये उसमें नोट होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट, एज अ गुड स्टूडेंट, ये आपका फ़र्ज है। ये आदत जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी क्लास के लिए या म्यूज़िक के लिए डालनी है, नहीं, ये एक अच्छे स्टूडेंट की आदत है। या तो वो सारी बातें आप कहीं भी नोट करो, आपके दिमाग में नोट होनी चाहिए सबसे पहले तो, पर क्योंकि याददाश्त हमारी उतनी तेज़ हो नहीं पाती है तो हम कॉपी पेन बनाते हैं, एक डायरी बनाते हैं, म्यूज़िक की डायरी हम जिसे कहेंगे। स्वरांगिनी तो किताब हमने आप लोगों को दे रखी है, लेकिन वो नोट्स की नहीं है, वो सिलेबस बुक है। एक टेक्स्ट बुक होती है आपकी, है ना? हर सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक होती है, पर साथ ही साथ आप तब भी एक कॉपी बनाते हो कि नहीं बनाते हो स्कूल में? तो वो आदत हमें छोड़नी थोड़ी होती है। कभी मैंने अलंकार या साहित्य इसके बारे में कुछ बताया, वो कहाँ नोट करोगे, है ना? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अगली क्लास में पूछूंगा, भूल जाओगे। ये याददाश्त की फितरत है, याददाश्त इतनी थोड़ी मजबूत है। अभी आप ये बताओ कितने सारे फ़ोन नंबर याद हैं आपको? फ़ोन नंबर क्यों नहीं याद रहते हैं? क्योंकि हम तुरंत मोबाइल में नोट कर लेते हैं, तुम्हारी ब्रेन की एक्सरसाइज ही नहीं है, तो याददाश्त मजबूत ही नहीं है। तो याददाश्त को मजबूत करने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, मुझे खुद को भी ले दे के दो नंबर याद हैं, है ना? एक मेरा खुद का, एक मेरे पिताजी का, क्योंकि हम वो बरसों से यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ है। तो याद, हाँ, बाकी सब कहाँ जाते हैं? फ़ोन में सेव होते हैं, तो हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही है, है ना? तो हमारी याददाश्त वैसे भी उतनी तेज़ नहीं है कि हम हर बताई गई बात को याद रख पाएं, है ना? एज अ स्टूडेंट की जो लर्निंग प्रोसेस है और एक जो टीचिंग प्रोसेस होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है? दो प्रकार की एजुकेशन होती हैं, एक स्कूल एजुकेशन होती है और कॉलेज एजुकेशन। दो प्रकार की एजुकेशन होती है और दो ही प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। स्कूल एजुकेशन स्पून फीडिंग है। स्पून फीडिंग का सीधा सीधा मतलब कि चम्मच से खिलाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को खाना खाना खुद से नहीं आता है, तो माँ क्या करती है, अपने हाथ से खिलाती है, या चम्मच से खिलाएगी, या जो भी चीज़ होगी, जैसा भी पदार्थ होगा उस अकॉर्डिंग वो उसे खाना खिलाती है, लेकिन खुद से खाना खिलाती है क्योंकि बच्चे को आता नहीं। यही स्कूल एजुकेशन कहती है। स्कूल एजुकेशन यही तो होता है कि बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, फिर वो जिम्मेदारी टीचर्स की आ जाती है। नोट्स कौन बनाता है, लेसन प्लानिंग कौन करता है, आपकी होमवर्क की कॉपी चेकिंग कौन करेगा, हैं? आपको होमवर्क कब देना है, आपका एग्जामिनेशन कब होगा, आपको शेड्यूल में रखना, आपकी चेकिंग, आपने यूनिफॉर्म प्रॉपर पहनी है कि नहीं पहनी है, आपके नाखून कटे हैं कि नहीं कटे हैं, आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं कि नहीं है, आप प्रॉपर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन है कि नहीं है,
ये सब स्कूल में चेक होता है और स्कूल लर्निंग विद्यालय हमें ये सारी चीजें सिखाता है, जहां हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। सब टीचर्स हमें बताएंगे या प्रिंसिपल हमें बताएंगे या हमारे फैकल्टी जो है, स्कूल एजुकेशन में हमें ऐसी एजुकेशन मिलती है और यही कॉलेज एजुकेशन होती है, उसमें सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। आप वहां क्लास नहीं भी जाएंगे, प्रोफेसर साहब को कुछ नहीं कहेंगे, है ना? आप मत आइए क्लास में, कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, प्रोफेसर्स कुछ नहीं कहते हैं। आपने होमवर्क किया नहीं किया, क्लास वर्क किया नहीं किया, प्रोफेसर्स आपको कुछ भी नहीं कहते हैं। और ये चीज हमें बड़ी अच्छी लगती है एज अ स्टूडेंट कि यार ये बढ़िया है ना यार, कॉलेज में, कॉलेज जाओ वहां कोई कुछ कहता ही नहीं। स्कूल में तो डांटा फटकारा जाता था कि अरे तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं प्रॉपर पहनी, बाल क्यों तुम्हारे बड़े हैं, नाखून क्यों नहीं कटे हैं, है ना, होमवर्क किया कि नहीं किया, है कि नहीं, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। कॉलेजेस में ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है, आराम से जाओ, आराम से आओ, आराम से ऐश करो। तो ये चीज़ हमें बड़ी पसंद आती है। लेकिन बहुत बेसिक सा डिफरेंस मैं स्कूल और कॉलेज का एग्जांपल लेकर इसलिए बता रहा हूँ, एजुकेशन एज अ स्टूडेंट हम कैसे बदलते हैं, एज अ स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन में एक स्टूडेंट कैसा होता है और कॉलेज एजुकेशन में एक स्टूडेंट कैसा होता है और टीचिंग कॉलेज में कैसी होती है और स्कूल में कैसी होती है, उसका फर्क मैं यहाँ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना या होना ये कॉलेज सिखाता है, है ना? आप अग्री करेंगे मेरी इस बात से कि सेल्फ डिपेंड, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं आप और स्वतंत्र हैं और खुद का राज खुद पे चलता है, आप खुद डिसिप्लिन में आते हैं, आपको मालूम है एग्जाम्स हैं, आप क्या करेंगे, खुद लाइब्रेरी जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, खुद से नोट्स बनाना, वहां कोई टीचर नोट्स देने नहीं आ रहा है कि नहीं है? वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि यार गए नहीं गए तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है, है ना? वहां नोट्स आपको खुद बनाने हैं, खुद मेहनत करनी है, वहां स्पून फीडिंग नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ये बातें बता रहा हूं, ये सिलेबस से अलग हैं, यानी जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको दी है स्वरांगिनी, उससे अलग बातें मैं बता रहा हूं। तो मैं एज अ प्रोफेसर कॉलेज लर्निंग, कॉलेज टीचिंग का पैटर्न अपनाते हुए आप लोगों को बता रहा हूं, तो पैटर्न आपका भी लर्निंग का वही होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वाला, सेल्फ डिपेंड वाला, यानी तैयारी सारी आपको करके लानी है। मैं यहां पे स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, स्पून फीडिंग मेरा तरीका ही नहीं है सिखाने का, है ना? मेरा तरीका यह है कि मेरा स्टूडेंट जो हो, या SPW का स्टूडेंट जो हो, या फिर यूं कहूं ना एक अच्छा स्टूडेंट जो हो, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने नोट्स खुद बनाता है, वो चीजें याद रखता है। ऐसा ना हो कि मैंने बता दी चीज, अब उस स्टूडेंट को ही याद नहीं है, है ना, कि मैंने बताया क्या था, जबकि टिप्स पे होना चाहिए कि सर आपने इस दिन ये बताया था, इस दिन ये, इसको मैं एक अच्छा स्टूडेंट कहता हूं जो हर बात मेरी नोट करता है, याद रखता है, है ना? याददाश्त अगर कमजोर है तो कॉपी पेन है, डायरी है, पर्टिकुलर म्यूजिक की डायरी बनाई हुई है, अच्छा स्टूडेंट उसी को कहते हैं। आप यहां पे आ गए म्यूजिक सीखने, म्यूजिक इज नॉट जस्ट एनी सब्जेक्ट, ऐसे ही नहीं कि वहां ठीक है तो शौकिया काम है, हॉबी है, नहीं, ये अपने आप में बाकायदा एक विषय की तरह सीखने वाली चीज है। तो जहां एक विषय आता है तो वहां एज अ सब्जेक्ट आप स्कूल में क्या क्या चीजें करते हैं, दो दो कॉपियां बनी होती हैं, है कि नहीं, टू कॉपीज, क्लासवर्क अलग, होमवर्क अलग, उसका होमवर्क चेक होता है, नहीं होगा, होमवर्क नहीं किया होगा तो भय होता है मन में क्लास में जाने में, लेकिन यहां किसी को भय नहीं होता है, होमवर्क नहीं किया तो क्लास में आने में कोई डर नहीं है, बेझिझक आ जाते हैं। क्या ये चीज होनी चाहिए? नहीं ना, है ना? मैं फिर कह रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, मैं डांटता नहीं हूं स्टूडेंट्स को, पर हां समझाना मेरा फर्ज है, इसलिए समझाता हूं साथ ही साथ कि एक अच्छे स्टूडेंट को, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं आज तक, मैं भले ही यहां एक टीचर के ओहदे से आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, लेकिन एक वाक्य है, नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि सीखने से पहले ये सीखा जाता है कि सीखते कैसे हैं। ये मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी द्वारा बताया गया गुरु मंत्र है, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं और अपने जितना जो मुझे जहां मौका मिलता है सिखाने का, उसमें सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि बिफोर लर्निंग यू शुड लर्न दैट हाउ टू लर्न। अगर सीखना ही नहीं आता है तो कुछ भी कैसे सीखोगे? मैं यहां पे पहले ही दिन आपको राग, अलंकार, ताल, गाने, ये सब बता सकता हूं, लेकिन सबके सीखने की अप्रोच अलग होगी, तरीका अलग होगा। तो सीखने का ढंग किसे कहते हैं, सीखा जाता कैसे है, ये जान लेना पहले जरूरी है। मंथन समझते हैं आप, मथा जाता है जब, है ना? यानी अब ये तो इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग हो गया, अब अगर इसका मार्मिक मीनिंग समझें या मेटाफरिकल मीनिंग समझें तो वो कुछ यूं जाता है, किसी चीज पर एनालिसिस करना, एनालिटिकल वे से, एनालिसिस, ये जो शब्द है ये हमेशा मन में रखना, एनालिसिस, या इसे हिंदी में कहें तो विश्लेषण,
कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं अलग अलग, हम उस पर पूरा सोचते हैं, है ना। थिंकिंग के अंदर आता है ये। अब यहां देखिए क्या आ गया, साइकोलॉजी आ गई, मनोविज्ञान आ गया। मैंने हमेशा कहा है कि हर विषय संगीत में, हर एक विषय का दखल है, हर एक विषय का, मनोविज्ञान हो, गणित हो, विज्ञान हो, भाषा हो, कोई सा भी विषय हो, सब संगीत में मिले हुए हैं। साइकोलॉजी है, अभी मैंने साइकोलॉजी शुरू करी है ना इस टॉपिक से, कि थिंकिंग में ही आता है एनालिटिकल थिंकिंग। एक तो होता है हम सिर्फ सोच रहे हैं कि सोच लिया किसी चीज पर, है ना, अभी मैंने बोला इस पर विचार करना, आपने यहाँ ठीक है आ गया दिमाग में, एक बार दौड़ा वो थॉट और फिर चला भी गया, फिर किसी और के बारे में सोचने लग गए। लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग, अब उसके आप सर पांव देखेंगे, है कि नहीं। मैंने कोई लेसन दिया तो उस लेसन को एक तो है कि आप ऐसे ही तैयार कर लें, और एक है उस पर एनालिटिकल वे में सोचें कि नहीं यार उन्होंने ऐसा कहा है तो ये चीज होती है, इसको जब मैं करूंगा तो ये एक और स्टेप निकला। अलग अलग उसके अंजर पंजर देखे जाएं, ये एक स्टूडेंट में होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण करना उस चीज का। कि मैंने तो कोई चैप्टर बता दिया कि भाई ये टॉपिक होता है, अब उस पर आपकी रिसर्च क्या कहती है, उस पर आपका मंथन क्या कहता है। ये नहीं कि मेरी बताई गई बात को मुझे ही दोबारा आपको बताना है। मैंने आज आपको जो भी सारी चीजें बताई, कल को अगर मैं पूछूं कि हाँ तो कल क्या क्या बात हुई थी हमारी, तो उसमें वो पॉइंट्स तो आने ही चाहिए जो मैंने बताए। आप नोट करेंगे, याद रखेंगे, वो तो होंगे ही, साथ ही साथ उन पे आपका क्या मत है, मत समझते हो, अपना ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है उस बात पर। कि आपका ओपिनियन तो तब होगा ना जब उस पे सोचा होगा कुछ, है कि नहीं, बिना सोचे हमारा ओपिनियन ही नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि संगीत, साहित्य और अध्यात्म ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये हमारा अगर टॉपिक है, और इस पर मैं बोलने लग जाऊं और आपने वो सारी चीजें नोट करी, तो कल को अगर मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाहूं, डिस्कशन करना चाहूं, तो वो डिस्कशन सार्थक कब होगा, जब आपका भी अपना उसमें कुछ ओपिनियन, आपका कोई पॉइंट होगा, सिर्फ तोते की तरह मेरी ही बातें रिपीट करके मुझे ही नहीं सुनाई होगी। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये भी काम मेरा ही है, संगीत का माहौल देना आपको, है कि नहीं, म्यूजिक का एनवायरनमेंट मैं ही तो दूंगा, और कौन देगा। आप घर बैठे हुए हैं, यहां सिर्फ एक घंटा मुझसे जुड़ते हैं, तो एक घंटा आपकी जिंदगी में संगीत आता है, और आप सोच रहे हैं कि इस एक घंटे से हम संगीतकार बन जाएंगे। संगीतकार बनना है या थोड़ा बहुत भी संगीत अंदर उतारना है, तो संगीत 24 घंटे नशे की तरह अंदर चलना चाहिए, लहू की तरह, जैसे लहू दौड़ता है हमारे अंदर, सांस चलती है, उस तरह से संगीत चलना चाहिए। वैसा माहौल आपको कौन देगा, वो भी फर्ज मेरा ही, इसीलिए मैंने अच्छी अच्छी चीजें, चुनिंदा चीजें आपको मैं देता हूं कि अगर सुनना है तो ये वाली चीज सुनो, ये अच्छी चीज है कि नहीं। तो जैसे मैंने ये गजल बताई, इसको आप सुनो, ये अच्छी है, इसकी पोएट्री अच्छी है, कॉम्पोजिशन अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है, फर्जी चीजें मत सुनो। सुनना बहुत जरूरी है, और अच्छा सुनना उससे ज्यादा जरूरी है। कचरा सुनोगे, कचरा गाओगे, तो इसलिए फालतू चीजें सुननी नहीं। बॉलीवुड की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से आधा ऊपर कचरा है, तो हम सारे गाने सुनते फिरे, गलत होगा ये। हमेशा अच्छा सुनो, अच्छा सुनोगे अच्छा बोलोगे, है कि नहीं। तो एनालिटिकल थिंकिंग आपको करनी है, ऐसा नहीं कि बस उतनी सी चीज आपने जानी और हो गया काम, अपना मंथन उस पर होना चाहिए। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की पॉइंट होता है। तो अच्छे स्टूडेंट्स में क्या क्या होना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। जब मालूम होगा तो एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो स्कूल लर्निंग में भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। सिखाने को मैं बिल्कुल सारी चीज़ें अभी के अभी सिखा सकता हूँ। अभी मैंने बताया ना कि मैंने वो ताल की चीज़ आपको सिखाई थी, पर असर क्या हुआ उस चीज़ का, ना याद रही ना हमने उस पर काम किया। ये ऐसा क्यों हुआ पता है, मैंने कोई बीज बोया और मेरी फसल उगी नहीं, बंजर क्यों, बंजर तो थी नहीं जमीन, फसल मेरी उगी नहीं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका ख्याल नहीं रखा गया। मैंने आप लोगों के अंदर वो ताल का, लय का वो बीज बोया, मैंने वो लेसन उस दिन सिखाया, लेकिन आप लोगों की भूमि जो है, भूमि जमीन वही खराब थी, इसीलिए कुछ उगाई नहीं। तो भूमि तैयार करना मेरा काम है, यानी कि आपका माइंड तैयार करना, आपका माइंडसेट पहले सुधारना होगा मुझे, कि एज अ स्टूडेंट आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपका माइंडसेट टुवर्ड्स म्यूजिक, कि वक्त कितना देना होता है म्यूजिक को, एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्या क्वालिटी होती है, तभी जाके तो काम उस सीरियसनेस से करोगे, वरना शौकिया रूप से सीखते रहोगे, उसी नजर से सीखते रहोगे तो कभी काम नहीं करोगे। मैं ये जानता हूं, काम मैं आपको कितना ही अच्छा अच्छा दे दूं, आपको मैं सामने संगीत के ग्रंथ खोल के रख दूं, पर आप काम नहीं करते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे और उसका असर आप पर नहीं होगा।
एनालिटिकल थिंकिंग एज अ लर्नर आपके अंदर होनी चाहिए। ये फ़र्क है स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में, और यहाँ जो हम सीख रहे हैं वो कॉलेज एजुकेशन है ये मान लीजिए, क्योंकि यहाँ मेरी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ आप सीखने आए हैं, मैं सिखाने नहीं आया हूँ, ये समझ के चलिए। इस दुनिया में कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, नोबडी इज टीचर, जिसको पिताजी कहते हैं ना, व्यक्ति ही स्वयं का गुरु है। ये गुरु मंत्र है ना, ये सारी चीजें नोट करने वाली है कि व्यक्ति ही स्वयं का गुरु है, आप खुद के टीचर होते हैं, सेल्फ लर्निंग जिसे हम कहते हैं। मैंने ये सारी बातें बता दी, मैंने बता दिया ये अलंकार है, ये ताल है, एंड यू आर नॉट डूइंग इट, सो हूज फॉल्ट इज दैट, किसकी गलती है वो? असर तब तक नहीं होगा जब तक तुम नहीं करोगे, खुद नहीं करते असर नहीं होगा, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं हमें संगीत आ जाएगा। इज इट पॉसिबल बिना हाथ पांव चलाए संगीत आ जाए? क्या ये मुमकिन है? नहीं मेरे ख्याल से।